भाई अक्टूबर के महीने में काफी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है। उसके साथ साथ सबसे लास्ट वाली मूवी जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत तगड़ी बनी, तो उसकी टिकट भी बुक कर ली है। तो भाई ये सब मूवीज कौन बताएगा? ऑफ कोर्स मैं भाई, क्योंकि बर्नोविट्स को सब पता है। सबसे पहले बात करते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी, जो की दशहरा और दिवाली के टाइम मैक्सिमम लोगों ने देखी है। ये एक बेसिकली एनिमेटेड मूवी है जो की इंडिया में नहीं बनी और एट द सेम टाइम इंडिया में कभी रिलीज भी नहीं हुई है। ये पहली बार रिलीज होगी अक्टूबर 18 को और वो भी 4K में। तो भाई मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ इस मूवी के लिए। जो गाने और भजन है वो बहुत ज्यादा अच्छे, मेरा फेवरेट सुमिरन कर लो वाला है भाई, वो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है मुझे गाना। और उसके साथ साथ मैक्सिमम बच्चों को रामायण की स्टोरी इस मूवी की वजह से पता लगी थी, क्योंकि इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि रामायण ने राम जी ने कैसे 14 साल का वनवास काटा था। वैसे तो मैंने एक साल पहले बता दिया कि मूवी ऑफिस से आने वाली है इंडिया में, बट किसी ने भरोसा नहीं करा था, बट अब आ गई ना भाई, देखे हर बार सच होता हूँ मैं। बट हाँ भाई, इसकी डबिंग भी ऑलमोस्ट सेम होगी अब की बार, जो कि राम जी की आवाज अरुण गोविल जी देंगे, रावण की आवाज अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा जो इस पूरी मूवी में नरेट करेंगे, नम्रता जी जो कि सीता जी की आवाज देंगे। ये तो इंडिया की बात होगी, बट जब ये यूएसए में रिलीज हुई थी तो राम जी की आवाज ब्रेकिंग बैड के एक्टर ने डब करी थी, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ब्रायन क्रैनस्टन की। और तो इसको बेस्ट एनिमेशन अवार्ड भी मिल चुका है इंडिया के बाहर, बट इंडिया में कभी नहीं मिला क्योंकि रिलीज ही नहीं हुई ना। वैसे ये इंडिया के बाहर 1993 में रिलीज हुई थी, बट अब फाइनली इतने सालों बाद भाई इंडिया में रिलीज होगी। और दिवाली के टाइम हम सबने मूवी देखी, क्या आपने देखी? कमेंट करके बताना। बट आगे बढ़ते हैं भाई अगली मूवी में, जो की है विकी विद्या का वो वाला वीडियो, मतलब मैं लाइन नहीं बोल रहा, उनका मूवी का नाम ही है। तो इसके ट्रेलर आने वाले के प्रमोशन जो मुझे काफी अच्छे लगे थे, तो इसका ट्रेलर भी मुझे काफी ज्यादा फनी लगा। ये आएगी अक्टूबर 11 को। और इसकी अगर कास्ट बताऊं तो राजकुमार राव जो कि विकी का रोल कर रहे हैं, तृप्ति धिमरी जी जो कि विद्या का रोल, विजय राज, मल्लिका शरावत, अर्चना पूरन सिंह, मुकेश तिवारी और उसके साथ साथ काफी सारे लोग इसमें स्पेशल अपीयरेंस भी देंगे, जैसे कि शहनाज गिल, योयो हनी सिंह, बादशाह एंड दलेर मेहंदी, मतलब टूनिक टूनिक, किसको पता टूनिक टूनिक क्या होता है। ये बेसिकली एक कॉमेडी मूवी होगी जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति धिमरी की कुछ एक ऐसी वीडियो है जो कि वायरल या फिर चोरी हो जाती है, फिर उसको बचाने के लिए भाई पूरा मूवी में फन एंड थोड़ा मस्ती मजाक रहता है। इसको डायरेक्ट किया राज शांदिलिया जी, जो कि भाई काफी बड़ी बड़ी मूवीज कर चुके हैं, जैसे कि ड्रीम गर्ल जो कि फर्स्ट पार्ट अच्छा था, सेकंड पार्ट अच्छा नहीं था, प्रीकी अली, बट उसके साथ भाई कुछ अच्छी मूवीज भी नहीं करी, जैसे कि वेलकम बैक, भैया जी सुपर हिट, बट बोला नहीं जा सकता भाई, क्या बताया ये मूवी बहुत तगड़ी हो, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से तो बहुत तगड़ी लग रही है। और स्पेशली भाई ऑफकोर्स राजकुमार राव जी ने क्या एक्टिंग कर रहे भाई, मतलब स्ट्रीट 3 में बहुत खतरनाक एक्टिंग, ये मूवी में भाई और तगड़ी एक्टिंग, मतलब आप अगर ट्रेलर देखे ना फील करोगे कि हाँ यार ये मूवी तृप्ति धिमरी और किसी और की नहीं, बस सिर्फ राजकुमार राव जी की है, भाई बहुत मस्त एक्टिंग। बट अब आगे बढ़ते हुए ऐसी मूवी के लिए जिसके लिए सभी लोग एक्साइटेड है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वे ट्रेन की, जो कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, बट भाई इसमें हमारे अपने रजनीकांत जी भी होंगे, अमिताभ बच्चन जी भी होंगे, फहद फासिल होंगे, राणा दगुबती, मंजू वॉरियर, दुशारा विजयन, रितिका सिंह, रक्षण और जीएम सुंदर, मतलब भाई फर्स्ट के चार नेम तो इतने तगड़े हैं कि बिना सोचे समझे मूवी जा सकते हो। भाई मैं तो पक्का ये मूवी देखने जाने वाला हूँ। बट उसके साथ साथ भाई इसको डेट कर रहे हैं टीजे, पूरा नाम नहीं बोल सकता, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, बट इन्होंने भाई भूमि नाम से मूवी करी है जो कि हम सबने देखी होगी, और उसके इतने दिनों बाद अभी ये वाली मूवी कर रहे हैं जो कि मुझे लग रही है कि बहुत तगड़ी होगी। ये रिलीज होगी अक्टूबर 10 को। ये एक तमिल में मूवी है बट हिंदी में भी डब होगी, तो भाई हम भी देखेंगे। बट उसके साथ साथ ये रजनीकांत जी की 170th फिल्म है, भाई रजनीकांत जी को सैल्यूट भाई। उसके साथ साथ मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन जी को भी सैल्यूट, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इसके इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई वो अगर अपनी इतनी एज पे भी इतना ज्यादा काम कर सकते हैं तो भाई हम क्या है, हम भी तो कर सकते हैं। तो हाँ भाई बहुत तगड़े तगड़े इंस्पिरेशनल एक्टर तो भर रखे इस मूवी में। बट उसके साथ साथ एक बड़ी स्पेशल चीज है इसमें कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जी ऑलमोस्ट 33 ईयर बाद इस मूवी में पहली बार आएंगे। उन्होंने लास्ट साथ में मूवी बनाई थी 1991 में, जो कि हम नाम से थी। वैसे मूवी मैंने नहीं देखी, बट हम सबको इसके गाने याद होंगे, जैसे कि जुम्मा चुम्मा दे दे, मतलब मैं मांग नहीं रहा बोल रहा हूँ गाने का नाम, और एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, मतलब ये तो सच में बोल रहा हूँ कि हम करते हैं प्यार। बट सिंपली भाई रजनीकांत जी इसमें पुलिस का रोल निभाएंगे और स्टोरी काफी हद तक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है बोला जा रहा है। अगर और एक बड़ी चीज बोलूं तो इसका जो म्यूजिक देने वाले हैं वो सबसे बड़े हैं, सबसे टॉप है इंडिया में अभी। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्ध जी, भाई अनिरुद्ध जी ने इस मूवी का गाना दिया है। मुझे स्पेशली मनसिल आए वाला गाना अच्छा लगा, और स्पेशली भाई जो टाइटल वाला सॉन्ग है वो मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा। वैसे मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट अगली वाली मूवी के लिए तो भाई पूरी दुनिया एक्साइटेड है भाई। मतलब ये ऐसी मूवी है कि मतलब भाई सब लोग इसके लिए एक्साइटमेंट है, इसकी हाइप ऑलमोस्ट एक साल से बन रही है, और ये मूवी के एक्टर इतने पुराने हैं कि मतलब हम सबको पहचानते हैं, और ये मल्टी टैलेंटेड सिंगर है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मूवी बैडएस रवि कुमार की, जो कि आई नो आप लोग को देखनी चाहिए अगर आप में दम है तो। बेसिकली इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हिमेश रेशमिया जी, जो कि अक्टूबर 11, 2024 को रिलीज होगी। और अगर इसकी कास्ट की बात करें तो इसमें भी हिमेश रेशमिया जी तो है ही, और उसके साथ साथ प्रभु देवा जी होंगे जो कि एक विलन का रोल करेंगे। वैसे तो इस मूवी के बारे में ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहिए, बट ये 2014 में जो मूवी आई थी द एक्सपोज नाम से, जिसको हिमेश रेशमिया ने बनाया था, उसमें जो रवि कुमार था
उसके ऊपर स्टोरी है और उस बंदे के ऊपर भाई उसने कैसे कैसे किया क्या नहीं, मतलब मैंने तो देखी नहीं। और भाई हिमेश रेशमिया जी इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड है, आप एक्साइटेड हो या नहीं बताना मेरे को कमेंट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसी मूवी के लिए जो रियली हाइप में है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जिगरा मूवी की। और ये मूवी को मैंने देखने का रीजन सबसे बड़ा होगा इसके डायरेक्टर, मैंने उनकी मोनिका ओ माय डार्लिंग, मर्द को दर्द नहीं होता जैसे काफी मूवीज देखी, बट ये मूवी उन दोनों से थोड़ी अलग अलग दिख रही है, मुझे पता नहीं क्यों। बट इसको प्रोड्यूस करा करण जौहर ने और ये भी बैडस रवि कुमार के साथ ही आएगी October 11, 2024 को। और इसमें भाई बहुत प्यारी कास्ट है जैसे कि आलिया भट्ट, वेदांग रैना, युवराज बिजान, आदित्य नंदा एंड ईशान जैक। ये बेसिकली इमोशनल एक्शन थ्रिलर होगी जिसमें भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर बताया जाएगा। और बाकी मैंने इसका ट्रेलर भी देखा बट मुझे उतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मे बी शायद बहुत ज्यादा अलग हो मूवी। तो हाँ भाई ये ट्रेलर का थोड़ा कट अलग था बट डेफिनेटली मूवी बहुत अलग हो सकती है एंड मैं ये मूवी देखने जाऊंगा ऑफकोर्स, क्योंकि भाई ये मूवी भी देखने लायक हो सकती है क्योंकि वसंत बालाजी पे ट्रस्ट तो है। बट आगे लास्ट मूवी बढ़ने से पहले एक और मूवी की बात करते हैं जो कि वेनम द लास्ट डांस। ऐसा बोला जाएगा कि वेनम की सबसे लास्ट मूवी होगी। वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आधा देखा था, उसके बाद मैं देख नहीं पाया, बट मैं इसकी गेम खेलने का मन है मेरा स्पाइडरमैन जो वेनम वाली है। बट हाँ भाई ये इस मंथ के एंड में रिलीज होगी October 25 को और इसको सेम डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे केली मार्शल या फिर मार्केल जी। और बोला जाए कि वेनम सीरीज की सबसे हाईएस्ट बजट फिल्म होगी है। इसमें आपको सेम कास्ट देखने को मिलेगी, टॉम हार्डी, जूनो टेम्पल, रायन आइफेंस, पेगी लू और भी काफी बड़े बड़े नाम है। इसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी 2021 में जो आई थी वेनम, उसके बाद की स्टोरी इसमें कंटिन्यू होगी। पर्सनली बताऊं तो मैं उतना ज्यादा इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, बट देखते कैसे निकल के आती है, आप एक्साइटेड होकर बताना। बट अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट मूवी में जो कि सबसे पहले रिलीज होने वाली है इस मंथ में। और भाई ये मूवी थोड़ी सी अलग है, मतलब बोलने में जिस मूवी के बारे में बात करते हैं तब कुछ अलग ही लगता है। बेसिकली मैं बात करूं जोकर के पार्ट 2 फोली अडू की। बेसिकली इसका वर्ड का मतलब है कि दो पागल या फिर मैडनेस वाले लोग जो कि अपने ही धुन में चलते रहते हैं और अपनी धुन में ही लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। तो ये मूवी भी काफी हद तक उसी के ऊपर है। वैसे मैंने जोकर का पार्ट 1 देखा था और भाई पार्ट 1 अभी तक मैं वापस रीवॉच करने के लिए डरता हूँ, क्योंकि भाई वो मूवी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा इमोशनल है कि आपको फील करवा देती है कि हाँ भाई कुछ तो गलत है। इसके साथ में जोकिन फिनिक्स ने भी इसमें काफी तगड़ा रोल किया, मतलब उनकी अकेले की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा तगड़ी चली है। एंड ऑफकोर्स डायरेक्टर ने भी बहुत ज्यादा तगड़ा काम करा है। एंड पार्ट 1 मेरे हिसाब से बहुत प्यारी थी, मुझे स्पेशली जो लास्ट वाला सीन आता है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, बट वो सबसे बड़ा नहीं लगता मुझे। बहुत सारे सीन ऐसे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे, मतलब जो आर्ट है उसमें जिस हिसाब से डायरेक्ट करी गई है और सबसे लास्ट भाई जो म्यूजिक है दैट्स लाइक म्यूजिक ऑफकोर्स सबको पसंद है, वो म्यूजिक फिर से आने वाला है इसमें। और ऑफकोर्स भाई वो जो म्यूजिक है इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग है बट एट द सेम टाइम भाई उसमें मीनिंग है काफी ज्यादा मेरे हिसाब से। बट हाँ ये तो होगी पार्ट 1 की बात। अगर पार्ट 2 की बात करें, ये October 2 को रिलीज होगी और इसके डायरेक्टर अभी भी सेम है, टॉड फिलिप्स।